हेलो भाई, मेरा नाम है मयंक देशवाल और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो के अंदर। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं XUV700 के AX5 वेरिएंट के बारे में। सबसे पहले आपके सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है, भैया है व्हाइट कलर के अंदर। कीज़ की बात करोगे तो कुछ इस टाइप से इसकी कीज़ जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, जो कि महिंद्रा के अंदर आती है ऑलरेडी। बस इसके अंदर आपका नया लोगो जो है वो लगा दिया गया है। फ्रंट में आप ये देखोगे आपके सामने गाड़ी खड़ी हुई है। इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, कितने की आपके ऑनरोड पड़ जाती है, तो आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ पता लगने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आज मैं वीडियो बनाने आ रखा हूँ भाई महिंद्रा कॉन्सेप्ट ऑटोमोबाइल्स के अंदर, जो कि ग्रेटर नोएडा के अंदर है। अगर आपको कोई भी इनका जो लिंक है वो मैंने इनका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इनका एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और पूछ सकते हो अपनी नई गाड़ी जिसको भी परचेज़ करनी हो या अभी किसी की क्वेरी पूछनी हो। तो भाई आज इसके बारे में फुल वॉकराउंड रिव्यू रहने वाला है, तो चलो शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले देखेंगे तो कार के अंदर कुछ इस टाइप से आपको की मिलेंगे देखने में। तो थोड़ा यार फोकसिंग कम है क्योंकि धूप कुछ ज़्यादा ही हो रही है, एक तो पता नहीं क्यों फोकस नहीं कर पा रहा है ये। तो इसके अंदर आप अनलॉक करोगे तो आपके जो DRL से वो ऑन हो जाते हैं, और इसके अंदर एक आपको ये देखो इस टाइप से आपके ब्लिंक करेंगे। साथ में इसके अंदर आपको एक बूट ओपन का ऑप्शन है, एक आपका लॉक का ऑप्शन है। फ्रंट से आप देखोगे तो इसके अंदर यहाँ पे आपको DRL दे रखी है, जिसे हम कहते हैं डे टाइम रनिंग लाइट, व्हाइट कलर के अंदर LED इसके अंदर है। देन आपको LED के अंदर इसके अंदर लाइट देखने को मिलेंगे। नीचे में आपको फॉग लैंप का ऑप्शन दे रखा है, जो कि वो भी आपको व्हाइट LED के अंदर है। फ्रंट से अगर आप बात कर लोगे तो यहाँ पे आपको न्यू महिंद्रा का लोगो दे रखा है। 360 कैमरा इसके अंदर नहीं आता है। इसके अंदर ग्रिल की बात करोगे तो आप चाहे टॉप मॉडल लें चाहे आपका बेस मॉडल लें, तो आपको उसके अंदर ग्रिल एज इट इज़ आपको रहने वाली बिल्कुल सेम। यहाँ पे आपका न्यू महिंद्रा का लोगो लगा रखा है। फ्रंट बम्पर आपका बॉडी कलर मिलेगा, साथ में आपको टोइंग हुक भी आपको लेफ्ट हैंड साइड आपको देखने को मिल जाएगा। साइड प्रोफाइलिंग में अगर आप चलोगे तो ये है इसकी साइड प्रोफाइलिंग AX5 की, तो ये है इसकी पूरी की पूरी साइड प्रोफाइलिंग। टायर्स की बात करोगे तो आपको इसके अंदर MRF पर टायर्स आते हैं, और साइज़ की बात करोगे तो 235x65 R17 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं, जो कि आपको फ्रंट के अंदर भी सेफ्टी से रिलेटेड डिस्क दे रखे हैं और रियर के अंदर भी आपको डिस्क इसके अंदर मिल जाता है। अच्छी खासी आपको ब्रेकिंग सिस्टम भी रहने वाली है, और सेफ्टी वाइज भी आप सबको पता है कि ये ग्लोबल लैंडस्केप में 5-स्टार रेटिंग कार ला चुकी है। ORIMS की बात करोगे तो पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर आपको इसके अंदर ORIMS मिलेंगे, और यहाँ पर आपको दे रखे हैं LED टर्न इंडिकेटर्स। लेकिन जो इसके बॉडी कलर डोर हैंडल्स आपको मिलते हैं, लेकिन आप उसको अनलॉक करोगे तो इसके अंदर आपको ये आपके बाहर नहीं निकलेंगे ऑटोमेटिकली, वो सिर्फ आपके टॉप मॉडल के अंदर है। इसके अंदर आपको पुश करके इस टाइप से आपको अपना डोर जो है वो ओपन करना पड़ेगा इस टाइप से। तो इंटीरियर आप देख सकते हो, पूरा इंटीरियर जो आपको उसके अंदर ब्लैक और बेज कलर के अंदर मिलेगा। ये है इसका ड्राइवर साइड डोर, जिसके अंदर आपको चारों पावर विंडो का ऑप्शन दे रखे हैं। ये आपके ORIMS एडजस्टेबल, और यहाँ पे कोई आपको मेमोरेबल सीट्स का आपको ऑप्शन मिल। यहाँ पे आप सीट देखोगे ड्राइवर साइड की, जो सीट जो है वो आपको 6-way एडजस्टेबल आपको सीट देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरीके से आप इसको अप और डाउन कर सकते हो इस तरीके से, है ना। बाकी आगे पीछे कर सकते हो आप इजीली इसको, इस तरीके से अगर आप पकड़ के रखोगे इनके हेडरेस्ट जो वो भी आपको एडजस्टेबल मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको चार पावर विंडो लॉक और अनलॉक करने का ऑप्शन है। ये आपका चाइल्ड सेफ्टी लॉक है। ग्रैब हैंडल की बात करोगे तो पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर आपको ग्रैब हैंडल दे रखा है। यहाँ पे आपको बोतल होल्डर, साथ में अम्ब्रेला होल्डर भी आपको मिल जाएगा, और स्पेसिंग भी अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाती है। कार के अंदर आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन नहीं मिलता है AX5 मॉडल के अंदर। इसके अंदर आपको की लगानी पड़ेगी कुछ इस तरीके से। जो चोरियाँ हो रही है हमारे गाँवों में, इस टाइप से जो इसका इंसोप क्लस्टर है वो पूरा स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे भाई आपको मिल जाएंगे आपके हेडलैम्प कंट्रोलर, अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। उसके अंदर आपको वो 10 सेकंड के अंदर जो गाड़ी ऑन और ऑफ हो जाती है रेड पुश का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। साथ में इसके अंदर फ्यूल की अगर आपको इंफॉर्मेशन लेनी हो तो यहाँ से आप अपना कोई भी व्हीकल इंफॉर्मेशन, नेविगेशन, डिस्प्ले लेआउट वगैरह आप यहाँ से अपना चेंज कर सकते हो। बाकी आपको यहाँ पे दे रखा है भाई आप यहाँ से भी अपना ये चीज़ कंट्रोल कर सकते हो कि आपको क्या चीज़ सिलेक्ट करनी है। अगर आपको इसको प्रेस करोगे तो यहाँ से आप देखोगे तो आपका सब कुछ इजीली आप यहाँ से अपना सेट कर सकते हो उसको इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा दे रखा है आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का, आपको पूरा जो सेटिंग वगैरह आप यहाँ से अपना सेट कर सकते हो। यह है इसका स्टेयरिंग, इस टाइप से आपको स्टेयरिंग आएगा। यहाँ पर नया महिंद्रा का लोगो है। हॉर्न सुनोगे तो आपको इस टाइप से आपको उसका हॉर्न मिल जाएगा। इसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल तो मिलता नहीं है, तो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल तो बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है, नॉर्मल क्रूज कंट्रोल नहीं मिल रहा है इसके अंदर। बाकी इसके अंदर आपको कॉल रिसीव और कॉल कटिंग का वॉल्यूम अप डाउन और आपका ट्रैक वगैरह चेंज अपना कर सकते हो, म्यूट भी यहीं से कर सकते हो। बाकी ये है इसकी पूरी डिस्प्ले, जो कि 10 इंच की इसके अंदर आपको डिस्प्ले मिलती है। 10 इंच का फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें आपका स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल कंडीशन ये होगा, रेंज एवरेज वगैरह, फ्यूल इकोनॉमिक वगैरह, और इंजन की लाइट, और भाई आपका हैंड ब्रेक रिमाइंडर वगैरह हो गया, सीट बेल्ट रिमाइंडर हो गया, डोर ओपनिंग हो गई। तो ये आपको पूरा दिखाया था, मैनुअली है वैसे ही। 6 गियर इसके अंदर आते हैं रिवर्स का, 7 गियर आते हैं। ऑटोमेटिक में भी ये अवेलेबल है, आप चाहो तो ले सकते हो। भाई आपको जो AC है वो आपका मैनुअली वर्क करेगा, इस तरीके से मैनुअली चलाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आपको दे रखा है 4000 लाइट ऑन करने का ऑप्शन, और इस टाइप से ये आवाज़ करती है, ठीक है। बाकी इसके अंदर ये सीट बेल्ट रिमाइंडर का आपको ऑप्शन दे रखा है, तो ये आपके इवेंट्स दे रखे हैं AC के, ठीक है।
बाकी आपका हैंड ब्रेक है, कुछ यूटिलिटी स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको एक बोतल होल्डर दे रखा है। ये है आपका आर्मरेस्ट जो कि एडजस्टेबल नहीं है, फिटमेंट वाला है, इसको आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पे अपनी जो है की वगैरह आप रख सकते हो, वैसे ऑप्शन दे रखा है, वैसे क्या करोगे रख के, क्योंकि इसके अंदर स्टार्ट स्टॉप का बटन नहीं है। स्पेसिंग यहाँ पे आप, यहाँ पर हम इसको फिट कर देते हैं इजीली। ग्लव बॉक्स की बात करोगे तो यहाँ पे आपको स्पेसिंग देख सकते हो ग्लव बॉक्स के अंदर, और आर्मरेस्ट के अंदर भी अच्छी खासी आपको स्पेसिंग देखने को मिल जाती है। ये है इसका भाई फ्रंट का कैबिन, और ये जो आपको रियर व्यू मिरर है, और ये ऑटो डिम के साथ नहीं आता है, मैनुअली आपको सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपने हिसाब से, यहाँ पे आपको दे रखा है आपको सनग्लास होल्डर, SOS का यहाँ पे मार्किंग दे रखी है, ये आपके फ्रंट की लाइट्स वगैरह दे रखी है। यहाँ से देखो आपका एम्बिएंट लाइट ऑन हो जाती है, ठीक है, ऑफ और ऑन कर सकते हो यहाँ से। ये देखो यहाँ से आप अपनी सारी लाइट जो है वो ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे आपको दे मिल जाएगी भाई आपके पैनोरामिक सनरूफ, ये देखो भाई इस तरीके से आपकी पैनोरामिक सनरूफ जो है वन टच में पूरी की पूरी ओपन हो जाती है इजीली। ये हो गई भाई आपकी सनरूफ ओपन, बाकी आपको ऊपर दिखा देता हूँ। तो ये है आपकी सनरूफ पूरी, थोड़ी गाड़ी गंदी हो रखी है माइंड मत करना। सनशेड आपको मिल जाती है दोनों ही तरफ देखने को, और यहाँ पे कोई वैनिटी मिरर तो मिलता नहीं है। सेकेंडरी में बात करोगे तो वैनिटी मिरर मिल जाएगा विद आपका लाइट का भी ऑप्शन, इसके अंदर नहीं मिलता आपको, आप देखो। तो ये है इसका भाई XUV 700 का फ्रंट लुक। रियर में चलते हैं, मैंने जो सीट है ड्राइवर साइड की वो पूरी पीछे कर रखी है, तो रियर में जाने के लिए आपको ये इस टाइप से अपना डोर जो है वो ओपन करना पड़ेगा। ये है इसका रियर से बात करोगे तो यहाँ पे आपको दे रखा है रियर डोर पर ग्रैब हैंडल, पावर विंडो डाउन और अप करने का शिफ्टर है, डोर ओपनर है, डोर लॉक और अनलॉक है, और ये भी एक तरीके से ग्रैब हैंडल यहाँ से ही बंद कर सकते हो, यहाँ से ही बंद कर सकते हो, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पर बोटल होल्डर, कुछ स्पेसिंग, और आपकी स्पीकर ग्रिल लगा रखी है फ्रंट के अंदर, आपका स्पीकर ग्रिल साथ में ट्विटर ग्रिल भी, वहाँ पे आप देखोगे तो आपके पिलर्स के ऊपर ट्विटर्स लगे हुए हैं इस टाइप से, ठीक है। बाकी इसके रियर सीट्स हैं, रियर सीट्स के अंदर दो हेडरेस्ट मिलेंगे, वो भी आपको एडजस्टेबल मिल जाएंगे, 60-40 फोल्डेबल सीट्स मिल जाएंगी आपको मिड के अंदर। और मैंने देखो जो ड्राइवर सीट है, जैसे कि मैंने पूरी पीछे कर रखी, तो भाई मेरे जो नी हैं वो बिल्कुल भी टच नहीं हो रहे हैं अगर मैं सही बैठूं अपने, और ऐसे ही बैठूं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा अगर, और जो ड्राइवर साइड सीट है वो इतनी ज़्यादा पीछे करके कोई भी नहीं चलाने वाला है, क्योंकि आगे आप स्पेसिंग देख सकते हो कितना भी स्पेस जो है वो आगे बच रहा है, तो स्पेसिंग तो अच्छी खासी आपको उसमें देखने को मिल जाती है। इसके रियर के AC वेंट्स, यहाँ पर आपको USB टाइप एक चार्जिंग मिल जाती है केबल, यहाँ पर अपना फ़ोन जो है वो इजीली आप अपना रख सकते हो। बाकी ये सर रियर से फ्रंट डैशबोर्ड का लुक कुछ इस टाइप से देखने में आएगा, और यहाँ पे आपको साइड में लाइट्स दे रखी हैं ऊपर रूफ के अंदर, एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल्स विद आपका हुक दे रखा है इसके अंदर, तो आपको सारे ही एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल्स मिलेंगे, और लाइट्स जो है आपको कैबिन के अंदर भी पूरी वाइट ही मिलने वाली है इस तरीके से, ठीक है। आपको फ्रंट के अंदर दो मिल जाती हैं, 60-40 फोल्डेबल जैसे कि मैंने आपको बताया सीट्स मिलती हैं इसके अंदर, तो अपनी सीट्स को इस तरीके से आप गिरा भी सकते हो, और रियर के कैबिन में आप इजीली जा सकते हो, जिसके अंदर आपको कप होल्डर भी दे रखा है, यहाँ पर आपको 12 वाट का सॉकेट चार्जर, AC वेंट दे रखे हैं, AC वेंट से कंट्रोल भी दे रखा है आपको, उस तरीके उस टाइप भी आप देख सकते हो। तो राइट और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही तरफ आपको कप होल्डर और AC वेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, और रियर के अंदर भी एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल्स साथ में एयरबैग्स भी इसके अंदर आपको आएंगे, जिसके भाई मिड के अंदर बड़ी मुश्किल पन्नी के अंदर हाथ डाल के मैंने खोला है। आर्मरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको 2 कप होल्डर हैं, ठीक है, और बीच के अंदर हेडरेस्ट है हल्का सा, लेकिन वो एडजस्टेबल नहीं है, बिल्कुल माइनर सा एक हेडरेस्ट आपको दे रखा है इसके अंदर भी। रियर में एक बार हम चलते हैं तो ये है इसकी भाई रियर लुक, इसमें यहाँ पे आप देखोगे, जिसमें आप देखोगे तो ये है भाई XUV 700 लिखा हुआ है, AX5, जिसको भाई पैनोरामिक सनरूफ चाहिए। फीचर्स फुल लोडेड हैं कार के अंदर, ज़्यादा आपको मतलब आपका इतना बजट नहीं बन रहा टॉप मॉडल का, और सनरूफ भी चाहिए आपको, सब कुछ चाहिए, और आपको लेनी है XUV 700 है तो आप इसको अफोर्ड ज़रूर कर सकते हो, ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आपका होने वाला है, ठीक है। तो एक बार इसकी रियर जो है अपना बूट एक बार मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, तो इसके अंदर भी आपको एक मैग्नेटिक बटन दे रखा है, तो इसको आप वन टच में आप इसको ईजिली ओपन कर सकते हो। हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ है पूरा का पूरा, यहाँ पे आपको स्पेसिंग आप दे रखी है, आपको बूट के अंदर इतनी ही स्पेसिंग मिलती है अपना, वहाँ यहाँ से अपनी चेंज कर सकते हैं, आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे हैं यहाँ पे, जो रियर की सीट्स आप इसको भाई गिरा सकते हैं अगर आपको और स्पेस चाहिए बूट के अंदर, इस तरीके से अपनी जो रियर की सीट्स हैं वो आप डिक्लाइन कर सकते हैं। बात करोगे इसके स्पेयर व्हील की, तो भाई आपका स्पेयर व्हील जो है वो नीचे लगा रखा है इस तरीके से आप देखोगे तो, स्टील लिम के अंदर है। रियर बम्पर पे आपको वर्टिकल बम्पर मिलेगा, जो नीचे का पार्ट है डुअल टोन बोल सकते हो, नीचे का पार्ट है आपको सिल्वर और थोड़ा ब्लैक आउट में आपको देखने को मिलेगा। नीचे में देखोगे तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स दे रखे हैं, 2 सेंसर्स आपको देखने को मिलेंगे रियर बम्पर के ऊपर,
इस तरीके से, ठीक है। और अगर आपको, और इसके अंदर भी आपको एडोन एक्स का भी आपको सिस्टम इसके अंदर देखने को मिलता है। बाकी आपको भाई दो ग्रैब हैंडल्स आपको बूट क्लोज करने के लिए दे रखे हैं, जो कि आपका इस तरीके से वर्क करेंगे, ठीक है। बाकी रियर के अंदर, रियर मिरर पर आपको डिफॉगर, रियर वाइपर, वॉशर, हाई माउंटेन स्टॉप लैंप और ऊपर शाफ्टिन एंटीना के साथ साथ आपको रूफ रेल्स भी दी गई हैं। टेल लाइट्स की अगर आप बात करते हो तो उसके अंदर LED टेल लाइट्स मिलते हैं, जिसमें आपका स्टॉप लाइट है, टर्न इंडिकेटर्स है, रिवर्स पार्किंग लाइट है। तो इसके अंदर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वैसे रियर बम्पर में आपको टोइंग हुक दे रखा है, यहाँ से आप अपना फ्यूल जो है फिलअप करा सकते हैं इस तरीके से। जब आपकी गाड़ी जो है अनलॉक होगी तो आप इजीली बस को वन टच करना है, ये आपका जो है ओपन हो जाएगा फ्यूल गेज। और इसको अपना देखो, इसमें गैस बन रही थी तो खड़े खड़े ऐसे गैस बन जाती है गाड़ियों के अंदर। इस तरीके से यहाँ पर अपना जो फ्यूल है वो आप फिलआउट करा सकते हैं। ये पेट्रोल है, पेट्रोल वेरियंट है, पेट्रोल और डीजल दोनों ही आपको अवेलेबल है, ठीक है। तो थोड़ा पेट्रोल आपको थोड़ा जल्दी मिल जाएगी और डीजल वेरियंट जो है वो थोड़ा आपको वेटिंग उस पर कुछ ज़्यादा ही चल रही है अभी। बाकी इसके अंदर आप साउंड सिस्टम की बात करते हो तो भाई आपको इसके अंदर टोटल में 4 स्पीकर और 2 ट्विटर्स इसके अंदर फ्रंट के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ये सोनी के हैं नहीं है ये, इसके तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे सोनी के ऐसी कोई ब्रांडिंग यहाँ पे आपको करनी रखी है। जैसे टॉप मॉडल के अंदर सोनी का पूरा सिस्टम आता है इसके अंदर। तो और बाकी आपको एड्रोनिक्स का आपको इसके अंदर सिस्टम आपको देखने को मिलता है, आप देखो तो एड्रोनिक्स के ब्रांडिंग है पीछे भी आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही में भाई इसके अंदर सबवूफर वगैरह तो आता नहीं है, थोड़ा आपको मैनुअली एसी वगैरह आपको चलाने पड़ेंगे। बाकी आपको फीचर्स तो फुली लोडेड कार मिलती है। बाकी आपको इसके अंदर एक बार भाई सेल्फ मार्केट और दिखा देता हूँ। ये आपका पेट्रोल का वेरिएंट है तो इस टाइप से आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दे रखा है आपका टैकोमीटर, देन यहाँ पे आपको दे रखा है आपका स्पीडोमीटर आपका, और यह है इसका भाई रिवर्स गियर जो कि इस तरीके से लगेगा। इसके अंदर रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आपका नहीं आता है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो कैमरा का सिस्टम तो ऐसा आपको कोई मिलता नहीं है। जैसे मैं इसका RPM बढ़ाऊंगा यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरीके से आपका जो टैकोमीटर है वर्क करता है। तो भाई अगर आपकी गाड़ी में लो फ्यूल है तो इस टाइप से आपको इंस्ट्रक्शंस भी बोल के बताती है, खाली आपको वार्निंग नहीं देती है, बोल के भी आपको बताती है। बाकी अगर आप बात करते हो कि भाई आपको AX5 मॉडल ये आपको कितने का ऑनर पड़ता है, तो भाई वो आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि आपको ये आज की 2022 की डेट में ये आपको कितने का ऑनर पड़ता है। और ये स्टेयरिंग आप देखो कितना स्मूथ स्टेयरिंग है कार का, और यहाँ पे आप देखोगे तो स्टेयरिंग जैसे मैं मूव कर रहा हूँ उसके टायर लेफ्ट राइट आपको पूरा ये दिखा रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। साथ ही में आपको स्टेयरिंग एडजस्टमेंट की बात करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो टिल्ट मिल जाएगा आपको, साथ में टेलीस्कोपिक आपको उसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। बाकी एवरेज रेंज, फ्यूल इकोनॉमी वगैरह आपको आपको दिखा देता है। जैसे आप कार को ऑफ करोगे तो आपकी जो XUV बनी हुई आएगी पूरी, डिस्टेंस टाइम वगैरह किलोमीटर्स एवरेज सबको आपको ये शो करने वाली है। गाइस आई होप आप सबको आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो ना, मुझे देखो गाड़ी तो मुझे बढ़िया लग रही है, देखो की इनसाइड व्हीकल। तो अभी देखो चाबी नहीं निकली तो ये पूरा इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई अपनी गाड़ी की चाबी जो है वो आप निकाल लो, ठीक है, क्योंकि आपने गाड़ी का जो गेट है वो आपने ओपन कर दिया, साथ में जो की है वो आपने निकाली नहीं है। भाई गाइस आई होप आप सबको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो सभी के देखने धन्यवाद, थैंक यू सो मच।